गुड मॉर्निंग. विद द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर चैप्टर चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन, टुडे वी विल डू सम अदर थिंग्स. सो हाउ टू फ्रेम अ टेबल बाय रिपीटेड एडिशन. हम टेबल कैसे बना सकते हैं बाय रिपीटेड एडिशन, क्योंकि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन. सी, आप सबको 3 की टेबल तो आती होगी. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. ओके, नाउ अब हम फ्रेम करेंगे टेबल बाय रिपीटेड एडिशन. अगर हमें 3 की टेबल बनानी है तो हमें हर बार किसको रिपीट करना होगा, 3 को. हाउ? सो 3 + 3 और सम को हमें बार बार लिखना होगा. 3 + 3 = 6. 6 आंसर आया, 6 को लिखिए, अगेन 3 को रिपीट करें. हम 3 को ही रिपीट करेंगे क्योंकि बिकॉज वी आर मेकिंग टेबल ऑफ 3. 6 + 3 = 9. अब 9 को लिख दीजिए. 9 + 3 = 12. 12 को वापस लीजिए. 12 + 3 = 15. हम रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं. 15 + 3 = 18. 18 + 3 = 21, 21 + 3 = 24, 24 + 3 = 27, and 27 + 3 = 30. See, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 26. So we can frame the table as well by repeated एडिशन. तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन. सी, नाउ द सेकेंड थिंग, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी किया था, लाइक फॉर एग्जाम्पल 4 × 3 हमें करना है. जिसको कर रहे हैं उसको वी कॉल इट मल्टी प्लिकेंट. क्या बोलते हैं उसको? मल्टीप्लिकेंट. जैसे सब्ट्रैक्शन में हमें मिन्यूएंड और सब्ट्रेहेंड पढ़ा था, इसमें होता है मल्टीप्लिकेंट. क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट. जिससे कर रहे हैं वी कॉल इट मल्टीप्लायर. उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर. मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर. एंड द आंसर 3 4s are 12. आंसर 3 4s are 12. आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी कॉल इट प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट. एंड दिस इज द सिंबल, क्रॉस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. आंसर ऑफ एडिशन को हम बोलते थे सम, आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन को बोलते थे हम डिफरेंस, एंड नाउ आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट. So the this number we call it multiplicand. The जिससे multiply कर रहे हैं we call it multiplier, and the answer or the result of multiplication is product. So you have to learn table from 2 to 5. मैम लाइव क्लास में किसी से भी सुन सकती हैं. So it's your homework to learn. No need to write it anywhere. Just learn table 2 to 5. Thank you.